हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ खेत पे। हमने बहुत सारे बरबट्टी लगाए हैं जो कि 2 महीना पहले इसे बोया था, तो अभी इसमें फली आना स्टार्ट हो चुका है। तो चलो बरबट्टी दिखाता हूँ। ये बरबट्टी मैंने जून में बोया था और अभी चल रहे हैं अगस्त, तो इसमें काफ़ी सारे बरबट्टी अभी आ चुके हैं। ये बरसात वाली बरबट्टी है। ये बरबट्टी मेरे चाचा जी के हैं जो इसको 1 महीने पहले बोया था, तो अभी इसमें फल आना स्टार्ट नहीं हुआ है। इसमें अभी फूल भी नहीं आया है। करीब करीब इसको 15 दिन और लगेंगे फूल आने में। भिंडी के पौधे हैं, इसको 1.5 महीने पहले बोया गया है। इसमें फूल भी अभी तक नहीं आया है। इससे भी 15 दिन का समय लगेगा इसमें फूल आने में। ये कुरसे, यहाँ कुरसे की खेती कर रखे हैं। ये भी मेरे चाचा जी के हैं। इसे भी 1 महीना पहले बोया गया था। यहाँ झींगे की खेती कर रखे हैं। इसे मई के लास्ट सप्ताह में बोया गया था और अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। काका जो फली है वो 2.5 महीने में आता है। चलो आपको पूरा खेत दिखाता हूँ। इसमें ऐसे बांस लगा रखे हैं ताकि ये झींगा जो है नीचे में टच ना हो, इसलिए इसे ऊपर ऐसे रस्सी से बांध दिया जाता है बांस के सहारे। तो हमारे गांव में ऐसे ही खेती होते हैं। यहाँ पे करेली की खेती कर रखे हैं। इसे भी बिल्कुल झींगे की तरह बांस के सहारे, रस्सी के सहारे ऊपर में बांधा जाता है ताकि ये नीचे इसका जो फली है ना आए। अगर ये नीचे आ जाता है तो इसका फली जो है वो सड़ जाएगा। कुछ इस प्रकार से लगा रखे हैं। इसे भी 1 महीने पहले बोया गया था और अभी 1 महीना समय लगेगा इसे तैयार होने में। इसमें फली आ जाएंगे 1 महीने में। अभी मैं जा रहा हूँ दातुन तोड़ने के लिए जो यहाँ से काफ़ी दूर है, उधर जाना है मेरे को। तो चलो चलते। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ नीम के दातुन मिलेंगे, तो मैं रोज़ मुँह ब्रश जो करता हूँ वो नीम के दातुन से करता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा होता है हमारी मसूड़ी के लिए। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ नीम के पेड़ के पास। सो आपको पता ही होगा कि नीम का पेड़ कितना लाभकारी होता है, इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। मैं अभी नीम के पेड़ पे चढ़ चुका हूँ और मेरे को दातुन तोड़ना होगा। मैंने इस दातुन को चुना है जो कि ब्रश करने के लिए काफ़ी अच्छा है। एक औषधि बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो नीम के पत्ते होते हैं, गांव में जिसको चेचक हो जाता है
तो नीम के पत्ते को उबाल, पानी में से उबाल कर उसे, जिसको चेचक हो चुका है, उस पानी से कपड़े को गीला करके पूरे शरीर देह को पोछा जाता है, तो इससे काफ़ी सारे चेचक जो है मिट जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। काफ़ी लाभकारी पेड़ है ये। है दातुन, दातुन तोड़ लिया है, इसको ऐसे धोया जाता है। चलो आपको यहाँ के खेत दिखा देता हूँ, यहाँ पूरे धान की खेती कर रखी है। ये जो आप इंसान देख रहे हैं, ये हल चलाने वाले हैं, और ये दो बैल हैं जिससे हल चलाया जाता है और जिससे खेत की जुताई होती है। मैं अभी घर जा रहा हूँ, तो आपको घर में मिलता हूँ। घर पहुँच चुका हूँ। ये है गांव के इंसान जो अभी दातुन से मुंह धो रहे हैं। सो ऐसे ही धोया जाता है गांव में। ये थोड़ा थोड़ा बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो ये इंसान अभी जीवा कर रहे हैं। तो ये है आम और अमरूद का बगीचा जो कि किसानों को सरकार की ओर से दिया जाता है। ये जो आप पेड़ देख, ये अमरूद का पेड़ और ये आम का पेड़, तो काफ़ी सारे इसमें लगा रखे हैं। ये जो पूरा दिख रहा है यहाँ से, कवर कर दिया गया है, तो इनकी सीमा यहीं तक है। ये अमरूद का पेड़ थोड़ा बड़ा है, पहाड़ के बगल में ही है, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वो जो आपको झाड़ी सब दिख रही है, वहाँ तक लगा रखे हैं सारे पेड़, जो कि सरकार की ओर से दिया जाता है। सारे पेड़ जो दिख रहे हैं, ये सरकार की ओर से किसान को दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ताकि वो अपने अपना किसान जो है अपना जीवन यापन कर सके, जिससे अपना वो जीवन चला सके। सो फाइनली गाइस, इस वीडियो को मैंने एडिटिंग कर लिया है और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।